अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल पर सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उस्ताद उस्ताद जाहिद जाहिद हुसैन हुसैन आर आई आरआई की की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट पेरिंग वीडियो टिप देखने देखने के के लिए। लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपके लिए मॉडल लेके आया हूँ, वो है नोकिया 110 2019, नोकिया 110, तो यानी TA 1192। तो इससे प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि ये फोन जो है वो डेड है। हम इसे ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम सप्लाई पे से जो है लगा के चेक करते हैं तो ये थोड़ी सी स्विचिंग लेगा, थोड़ी सी ऐसे, और एक वहाँ पे रुक जाएगा या वापस स्टिल जो है मीटर की जो सुई है वो गिर जाएगी। तो इस तरह का अगर डेड फोन आता है तो आपने इसे किस तरह से रिपेयर करना है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने इसके जो पेच है हमने सबसे पहले इनको रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद अभी हम इस फोन को जो है जो मदरबोर्ड है हम उसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद कुछ लोग भाई लोग क्या करते हैं कि इसकी जो ये ऊपर स्टील गेट लगा है इसे उतारने के बाद हीट अप करना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर 110 को ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम होती है, आपने सबसे पहले जो है इसे चेक कर लेना है कि इसकी स्क्रीन तो डैमेज नहीं है। तो इसकी स्क्रीन बिल्कुल डैमेज नहीं है, अगर डैमेज हो फिर आपने स्क्रीन को ही रिप्लेस करना है। उसकी लाइट भी बंद हो जाती है अगर टूटी हो। इस पे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है 110 पे, अगर किसी भाई को कुछ मुश्किल हो दिक्कत हो तो आप उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक वो डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स इसका एलसीडी का जो पॉइंट है ये वाली साइड है, एक इसकी जो है लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट वाली पे नहीं, जहाँ पे इस साइड पे नहीं आपने जाना, जिस साइड पे ये जो ग्राउंड ज़्यादा बची हुई है इस पे पहला या दूसरा पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं, इसका जो दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है वो डैमेज है। तो इसकी वजह से इसका ऑन ऑफ सर्कल जो है वो एलसीडी से होकर मेन आईसी में जाता है, जिसकी वजह से फोन डेड शो करता है। तो अभी हमने क्या करना है, इससे एलसीडी को थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पे हम इसे जंपरिंग करके चेक करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो हमने जो है अच्छे से हमने जो है सोल्ड कर लिया। अभी सोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, तो ये हमने यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे यहाँ से जंपर खींच के यहाँ पे लगा लिए। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये जंपर हमने यहाँ पे लगा लिए दूसरे पॉइंट पे। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है ये भी ग्राउंड का है, ये भी डिस्प्ले लाइट का है, ये जो है ये भी वर्कआउट नहीं कर रहा था। हमने यहाँ पे पेपर टेप पिक लगी उसे उतार के दोनों पॉइंट को दोबारा से जो है वो रीड किया मीटर के साथ, तो यहाँ पे सप्लाई भी नहीं आ रही थी। यहाँ से हमने जंपर उठा के यहाँ लगाने के बजाय हमने इसकी बैक लाइट के साथ जो है यहाँ पे जंपर लगा दिए, यानी
ये आपको जम्पर दिखाने का मकसद ये है कि इसके जो पहले दो पॉइंट है, पहले पॉइंट को छोड़ के दूसरा प्लस का और तीसरा माइनस का, यानी ये जो दो पॉइंट है ये मिस हो तो फोन डेड शो करता है, डिस्प्ले पे लाइट नहीं शो करता और डिस्प्ले भी नहीं शो करता। अगर डिस्प्ले शो कर रहा हो तो फिर भी लाइट का प्रॉब्लम, तो आपने इसी तरह से हल करना है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फोन है वो बिल्कुल अच्छे से ऑन हो गया है। तो जिन भाइयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, वो हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब ना करना भूलें, और जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।